आज की रेसिपी मैं पिछले 50 साल से बना रही हूँ और ये रेसिपी जो है बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। और ये एक स्वीट डिश है, इसको आप एज ए स्वीट डिश भी ले सकते हैं और चाहें तो इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं और रेसिपी बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। बस दूध होना चाहिए और साथ में ब्रेड होनी चाहिए, और जो बच्चे जो हमारे जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इससे आप बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं इस वाली रेसिपी से। तो हमने जो है इसको बनाने के लिए मैंने आटा ब्रेड ली है, तो सबसे पहले जो है हमने पैन के अंदर घी डाल देना है। आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और फिर दोनों साइड से जो है हमने इस जो ब्रेड हमने डाली है उसको हमने करारा कर लेना है। और जब आप इसको करारा कर लेंगे, आप चाहें तो इसको जो नॉर्मल जो मैदा की ब्रेड होती है उससे भी बना सकते हैं। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर जो है 1 गिलास भर के जो है दूध डाल दिया है। इस ब्रेड के ऊपर आप ऐसे दूध डाल दें जैसे कि मैं डाल रही हूँ, और मैंने जो है चीनी इसमें बाद में डाल दी है 2 चम्मच, लेकिन आप जल्दबाजी में, क्योंकि हम ऐसे भी बना लेते हैं कि पहले जो है चीनी ऊपर से डाल दें तो चीनी में घुल जाती है दूध के अंदर इसमें गर्मा गर्म इसमें, लेकिन आप चाहें तो इसको दूध के अंदर जो चीनी है उसको आप पहले भी डाल सकते हैं, पहले मिक्स कर लें दूध के अंदर और फिर जो है आप रेसिपी को बनाएं। तो बस इसी तरह से ये जो ब्रेड है, ये हमारी जो सारा जो दूध है, मैंने 1 गिलास दूध डाला है आपके सामने, और देखिए सारी जो दूध है इस ब्रेड ने सोख लिया है। और देसी घी में ही इसको बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी, आपके बच्चे ऐसे फटाफट है इसको खा लेंगे, और ये तो बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से आप बनाएंगे तो। इस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके आगे हमने जो है रेसिपी में क्या करना है। तो जब ये हो जाएगा दोनों अच्छी तरह से दूध जो है सोख ले तो ब्रेड, तो उसके बाद में हमने ब्रेड को उठा के दूसरी ब्रेड के ऊपर रख देना है, और फिर उसके बाद में फिर हमने इसके थोड़े आप ड्राई फ्रूट चाहें तो वो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से क्रश कर लें, और प्लीज़ वीडियो को जो है फुल वॉच करें, और क्रश करके फिर हमने इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में अब चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऊपर से ब्रेड के ऊपर ही डालें, इधर आसपास नहीं डालें। इसका जो टेस्ट होता है, ये जो दूध जो गाढ़ा हो जाता है, इसका टेस्ट ऐसा हो जाता है जैसे कि टॉफ़ी का टेस्ट होता है, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो मैं इसके अंदर देखिए आपके सामने ही दूध डाल रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस 2 पीस के ब्रेड में मैंने कम से कम 1 गिलास दूध जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद में ये दूध जो है सारा जो है जब सूख जाएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है, ये जो इसका जो टेस्ट आता है वो एकदम टॉफ़ी की तरह आता है। और फिर लास्ट में हमने इसके ऊपर चाहें तो टूटी फ्रूटी अगर आपके पास है तो आप डाल दें, देखने में बच्चों को जो है बहुत ही अट्रैक्ट करती है टूटी फ्रूटी, बच्चे इस बड़े शौक से इस नाश्ते को खाएंगे। तो वैसे और इसको आप एज ए नाश्ता भी ले सकते हैं और एज ए स्वीट डिश भी आप इसको मतलब बना सकते हैं। हमारे घर में जब कभी किसी को मीठा खाने का मन होता है तो अगर कुछ नहीं है और तो फटाफट जो है ये ब्रेड बन जाती है, इसको हम लोग दूध वाली ब्रेड बोलते हैं, जो बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें मेरे कहने से, और आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।